मैं खुद भी काफ़ी थक चुकी हूँ बहुत सारी, क्योंकि हमारा जो सतलुज दरिया है ना बहुत ही बड़ा है, चलते चलते मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और ख़ुद बच्चे भी आज थक चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जो मेरे प्यारे बहन भाई किसी मुश्किल में हैं या किसी परेशानी में हैं या किसी दुख तकलीफ़ में हैं, जैसे हमारे हमसाए हैं या करीबी रिश्तेदार हैं, तो अल्लाह मियाँ सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मेरी भी यही दुआ होती है कि वो जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और आप लोगों से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं, आज संडे का दिन है, ये भी दुआ करते हैं कि हमारा चैनल जल्द से जल्द ऊपर आए तो हमारी काफ़ी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत अच्छी वीडियो है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। क्योंकि हम यहाँ बहुत ही ऊंचाई पे आए हुए हैं, ये काफ़ी सारा यहाँ जंगल है, तो साथ में ये हम तो इसको अपने सतलुज कहते हैं। फिलहाल तो ये पानी वगैरह नहीं है क्योंकि इनकी जो ऊपर नीचे तो दरिया की जैसे सतलुज होता है वो दरिया जहाँ होता है, तो ऊपर इनके जो ये पीछे से आप देख रही हैं ये, इसको हम अपनी ज़बान में सार बोलते हैं क्योंकि हम जो झाड़ू देते हैं तो झाड़ू ख़त्म हो जाते हैं। तो आज मैं यहाँ वही बनाने आई हूँ। तो विवाज ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल काटने पड़ते हैं क्योंकि हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं। जब दरिया आता है तो पानी छोड़ जाता है तो बहुत सारी ये सर वगैरह भी हो जाते हैं और भी दरख्त निकल आते हैं और जानवर भी यहाँ चारा चुगने आते हैं। और जैसे जो बहुत और सारे जो निकल आते हैं काने, वो हम क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग आते हैं और इनको काट के अपने छतों पे डालते हैं। तो भी और हम दरिया पे आए हैं, बहुत खुश हैं, हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो अब हमें ये भी बहुत दिनों जिद कर रही थी, तो छुट्टी थी, आज छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, तो ये बहुत दिनों जिद कर रही थी, तो कह रही थी हम भी आपके साथ चलेंगे। तो क्योंकि कितने दिन हो गए हमने भी दरिया नहीं देखा, तो हम आपको नीचे का जब अब हम अभी तो ऊपर आए हुए हैं तो अब हम नीचे जाएंगे तो वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। ये जो सिर्फ सारे ये झाड़ू के काम भी आते हैं और तो और, क्योंकि जेड़ी बहुत सारी औरतें होती हैं ना वो इनके साथ पहले ज़माने तो बहुत ज़्यादा ये काम आते थे, जो इतने इतने बड़े बड़े वो कैसे छब्बे बनाया करते थे। अभी तो सिर्फ ये जो हम घर में छब्बियाँ इस्तेमाल करते हैं उनके काम भी ये ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। बहुत सारी औरतें आती हैं और यहाँ से काट के ले जाती हैं और छब्बियाँ भी बनती हैं और बड़े बड़े छब्बे बनते हैं और इनकी इन सरों से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, मगर इनको घर जाकर सुखाना पड़ता है फिर जाकर ये छबियाँ वगैरह बनाई जाती हैं। और जो ये इनके नीचे जो खाने देख रहे हैं आप निकले हुए हैं, तो ये जो बहुत गरीब लोग होते हैं वो इनको काट कर ले जाते हैं और घर में बिछाने वाले वो जो हथड़े वगैरह होते हैं पहले ज़माने तो बहुत बनाया करते थे, तो वो भी इन कानों से बनाए जाते हैं, कलम वगैरह बनाई जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इस वजह से लोग आते हैं बहुत बहुत से यहाँ से काट के ले जाते हैं। लोग तो ऐसा करते हैं कि इन सरों को काट के ले जाते हैं और शहरों में इनकी छोटी छोटी गठनियाँ बनाकर फिर बेचते हैं। शहर वाले तो यहाँ आकर नहीं काट सकते, तो इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं और यहाँ से काट के ले जाते हैं और शहर में जाकर इन्हें बेचते हैं। तो व्यूअर्स आप देख रहे हैं मैं कुछ मैंने बना लिए हैं और भी हम काटेंगे। तो आप नीचे देख रहे हैं ये जो रेत होती है ना, ये हम घर में काफ़ी सारे लोग आते हैं और ले जाते हैं क्योंकि शहर से तो ज़्यादा नहीं मिली जाती, तो यहाँ से आकर दरिया इस रेत को बाहर निकाल कर एक पास रख देता है, तो आकर यहाँ उठा कर ले जाते हैं और सीमेंट वगैरह के लिए ये काम आती है। तो आप इस बाहर का भी, क्योंकि हम ये बहुत ही ऊँचाई पर आए हुए हैं तो आप इस साइड से देखो, लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं, काफ़ी सारे घास भी बिछाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं
नीचे से पहले खंड दिया मम्मी। मैं तो देखकर हैरान रह गई। देखो इन्होंने दरिया पे इतना सारे घर बनाए हुए हैं और इतने अच्छे अच्छे घास भी बिजाए हुए हैं, फिर भी इन्हें जब पानी आता है तो पता नहीं इन्हें डर नहीं लगता होगा, क्योंकि काफी ये ऊंचाई पे बैठे हैं जब भी पानी। तो कुछ हमने बना लिए हैं, अब हम नीचे जाएंगे। अभी बस हम नीचे जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। अब हम नीचे आ चुके हैं, तो आप देख रहे हैं ये जो तो पानी तो नहीं है, पानी थोड़ा थोड़ा है, इतना नहीं है। तो व्यूअर्स हम दरिया के नीचे पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा पानी है। तो आप देख रहे हैं नीचे नीला नीला, पता नहीं ये बहुत ही ठंडा है। और ये देखो नीली नीली, ये जब पानी छोड़ जाता है तो ये ऐसे हो जाती है। मुझे तो ज़्यादातर इसके बारे में नहीं पता, मगर जब ये पानी बहुत ज़्यादा होता है तो उस वक्त हम बाहर से आकर देखें तो वैसे डर भी बहुत लगता है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। तो अभी तो पानी क्योंकि बहुत ही नरम और थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जगह पर बचा हुआ है, तो जहाँ बहुत सारे लोग और आते हैं जानवरों को जहाँ चारा चुगने के लिए आते हैं और पानी भी पिलाते हैं। वैसे ये अंदर का माहौल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और मुकद्दस और फातिमा भी बहुत यहाँ आज खुश हैं, क्योंकि उन्होंने आज पहली बार यहाँ आकर दरिया का अंदर का माहौल देखा। तो इंशाल्लाह जब यहाँ दरिया में पानी आएगा तो फिर भी हम आएंगे, तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। देखो बाहर से ना एक साइड पे टूली भी लगी हुई हैं, क्योंकि जब दरिया में बहुत ज़्यादा पानी आता है तो वो उस दरिया से पानी खींचकर अपनी फसलों को लगाते हैं ऊपर, जो दरिया के ऊपर जो ऊंची ज़मीन है उस पे फसलें बिजाई हुई हैं। तो जब दरिया अंदर से निकल सूखा हुआ होता है तो पानी तो थोड़ा थोड़ा होता है। देखो ये जानवर भी गुजर के जा रहे हैं, ऊपर ऊँची ज़मीन है तो वहाँ चारा चुगने के लिए जाते हैं। बहुत सारी क्योंकि हमारा जो सतलुज दरिया है ना बहुत ही बड़ा है, चलते चलते मैं काफ़ी थक चुकी हूँ और ख़ुद बच्चे भी आज थक चुके हैं। तो व्यूअर्स आज मैंने आप लोगों को अपने सतलुज दरिया का पूरा विज़िट करवाया, क्योंकि ये 10-20 किलोमीटर हमारे घर से काफ़ी दूर है, तो हम यहाँ आकर काफ़ी सारी चीज़ें भी ले जाते हैं, जैसे लकड़ी वगैरह झाड़ू देने के लिए सर वगैरह। तो मैं इसलिए यहाँ आज मुझे आना पड़ा। तो अपनी फैमिली का, अपने बड़ों का, रिश्तेदारों का, सबका ध्यान रखना है। तो मेरी भी यही दुआ होती है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो आप लोगों ने हमारे लिए भी दुआ करनी है, आपकी दुआओं से ही हमारी परेशानियाँ दूर होंगी। तो रखना है हमें दुआओं में याद। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तो अल्लाह हाफिज़।